स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, जहाँ पे बी बड़ा एसी फील्ड विथ है मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, ठीक है। तो अगर आपको दो स्फीयर के बीच मतलब ऐसा सेटअप का रेजिस्टेंस निकालना है और आपको फॉर्मूला नहीं पता है और इंटीग्रेशन करने का टाइम नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना अभी, ठीक है। भले वो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली में अगर वो समझ में आ गया तो वो चीज़ अप्लाई करने में आपको 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो आप एक स्पेशल केस लो, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में तो सॉल्व नहीं करना चाहते, या आता नहीं हमें, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर ए और बी इक्वल हो, तो अगर ए और बी इक्वल हो जाएगा तो स्फीयर्स के बीच में तो कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है मतलब कोई मटेरियल ही नहीं बचा, कोई मटेरियल नहीं बचा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। समझ में आ रही बात? जैसे आप एक सिलेंडर बनाते हो, अगर सिलेंडर का लेंथ ही ज़ीरो कर दो, मतलब करंट जो लेंथ डिस्टेंस कवर करने वाला है, अगर उस लेंथ को ही ज़ीरो कर दोगे आप, तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वैसे यहाँ पे आपको दोनों स्फीयर्स के बीच में जो रीजन है उसका रेजिस्टेंस पूछा है ना, यानी करंट को यहाँ से यहाँ जाना है या बाहर से अंदर आना, कैसा भी करो, लेकिन अगर दोनों रेडियस इक्वल कर दो आप, तो ये गैप ज़ीरो हो जाएगा, और गैप ज़ीरो हो गया मतलब करंट को डिस्टेंस चलने के लिए, मतलब करंट को कोई डिस्टेंस चलना ही नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस वो कितना इनकाउंटर करेगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो जिस ऑप्शन में ए और बी को इक्वल पुट करने से रेजिस्टेंस ज़ीरो आएगा, वही ऑप्शन हो सकता है, बाकी सब जिसमें नहीं आएगा तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन में ए और बी को इक्वल पुट करेंगे तो ये तो पक्का ज़ीरो नहीं होगा, तो सी एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर डी एलिमिनेट हो गया, तो इस लॉजिक से सी और डी जो है एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ओके, अब ये दोनों ऑप्शंस बचा है ना, इसमें आप देख भी सकते हो ए और बी को इक्वल पुट कर दो, मान लो दोनों का वैल्यू ए मानोगे तो ज़ीरो हो गया और यहाँ भी ए मानेंगे तो ज़ीरो हो गया, है ना। तो ये तो इनमें से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक भी अगर आप सोच लिए हो, और इतना सोचने में आपको 2 या 3 सेकेंड लगेगा, जहाँ पे माइनस साइन है वही रह सकता है, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, जो भी ऐसा कुछ सोचे आप, तो 5 सेकेंड के अंदर आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर आपको नहीं भी आता तो इन दोनों में से कोई भी एक मार्क करो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर और सोचने का टाइम है, लेकिन आपको बनाना नहीं आता, लेकिन और कुछ सेकंड इसमें दे सकते हो, तो अब मैं फर्दर एक और चीज़ बताऊंगा जिससे इन दोनों में से भी एक और एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो वो सुनना, वो सबको समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, वेल डन, ठीक है। अब आगे का सुनो, अगर दूसरा स्पेशल केस में वैसा सोच रहा हूँ कि अगर ए बी बहुत बड़ा है, बी भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बट बी माइनस ए ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ए भी बहुत बड़ा है, बी भी बहुत बड़ा है, लेकिन बी माइनस ए जो डिफरेंस है ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है ना, वैसा भी हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों ऐसा इन्फिनिटी है कि इनका डिफरेंस कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो उस केस में आप अगर इस सिचुएशन को ड्रॉ करोगे, तो अगर रेडियस इन्फिनिटी हो गया तो सरफेस पैरेलल हो जाएगा। अगर आप स्फीयर को बड़ा करते हो, बड़ा करते हो, बड़ा करते हो, फिर स्फीयर का वॉल देखोगे तो आपको फ्लैट लगेगा, ठीक है ना। तो ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये मान लो सेंटर है, तो पहला स्फीयर का रेडियस ए और दूसरा स्फीयर का रेडियस बी, ठीक है, है ना, ठीक है। अब क्योंकि एक्चुअल में कर्वेचर कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में तो इन्फिनिटी है ना, लेकिन मैं ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखोगे, अरे ये तो आपको वैसा लग रहा है, करंट को तो याद रखना अंदर वाले स्फीयर से बाहर की तरफ जाना है या बाहर वाले से अंदर की तरफ, जैसा मानने मान लो, करंट का डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, वो सेमी कंडक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो करंट ऐसा जाए या ऐसा जाए, कुछ भी मान लो, तो करंट अगर ऐसा जा रहा है तो आप देखोगे करंट जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो सरफेस का एरिया कितना है, 4πa² या 4πb² कुछ भी ले लो, ये सरफेस का एरिया कितना होगा, 4πa², क्योंकि ये पूरा अंदर वाले स्फीयर का हर एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा ना करंट, ठीक है। आप जब दो स्फीयर वैसे ड्रॉ कर रहे हो, करंट मान लो अंदर वाले स्फीयर से बाहर की तरफ जा रहा है तो हर पॉइंट से निकल रहा होगा ना, तो बेसिकली करंट कितना सरफेस क्रॉस कर रहा है, 4πa² बोलो या 4πb², कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू आप क्या लोगे, 4πa² और 4πb², दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े बड़े होंगे, है ना। और डिस्टेंस कितना करंट को चलना पड़ रहा होगा, बी माइनस ए, डिस्टेंस दैट द करंट नीड्स टू कवर बी माइनस ए, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, है ना, तो रो एल बाय ए, तो 4πa² या 4πb²
या 4 पाई ए बी कुछ भी कर दो, ठीक है ना। इसको आप 4 पाई ए बी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, है ना। 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर या 4 पाई ए बी, ठीक है। ये मेरा लोगो जो है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, है ना। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप ये वाला स्पेशल केस लो तो इससे आपका रेजिस्टेंस आसाना चाहिए, रो बी माइनस ए डिवाइड बाई 4 पाई ए बी। तो रो बी माइनस ए डिवाइड बाई 4 पाई ए बी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, बी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी जो है ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा दिए, तो ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब करंट स्टार्टिंग पॉइंट पर जितना एरिया क्रॉस कर रहा है एंडिंग पॉइंट पर भी ऑलमोस्ट उतना ही एरिया क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। जैसे आप सिलेंडर के लिए लगाते हो, सिलेंडर में क्या होता है, करंट जब यहाँ घुस रहा था तब जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से निकलते वक्त भी उतना ही एरिया क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ओके, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, तो वही हम लोग यहाँ पर भी किए। अगर दोनों सर्फेस का रेडियस इन्फाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, तो दोनों सर्फेस का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल है ना, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और फिर से अगर समझ में आ भी गया तो इतना सोचने में आपको ज़्यादा टाइम में लगेगा, ठीक है। आप कल इमेजिन कर लो सरफेस रेडियस बहुत बड़ा हो गया है, तो एरिया 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर मतलब a इंटू बी, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू a इंटू बी आ रहा है, यहाँ 4 पाई इंटू a इंटू बी, तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।